धर्म प्रेमी सज्जनों और विश्व में मानव कहलाने वालों, आज मैं फिर से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूं, मजेदार वीडियो। आज देखिए ये क्या कह रहा है पास्टर, हम साइन क्यों नहीं करेंगे। इसका युक्ति देखिए, लॉजिक देखिए कि साइन क्यों नहीं करेंगे, इसका लॉजिक आप सुनिए ये क्या कह रहा है। ये समझ में आया कि तुम लोग अभी इस तरह बंकस करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है ना। तेरे पास तो काम है ना, तू तो वीडियो बना रहा है। अब ये बता, पंडित जी ने तुझे फोन किया था या तूने पंडित जी को फोन किया था? अब डिबेट करने के लिए दूध पिया होना चाहिए, तूने दूध पिया है जो तू डिबेट करेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। और तुम लोग बोलते रहते हो डिबेट में आते नहीं हो, डिबेट में आते नहीं हो, सामने आते नहीं, पेपर में साइन नहीं करते। क्यों करने का तुम्हारा पेपर साइन है ना? मैं साइन क्यों नहीं कर रहा पता तुम्हारे पेपर में? क्योंकि तुम्हारा कोई आता पता नहीं है। बंकस कर रहे हैं और क्यों करे पेपर में साइन? क्योंकि तुम्हारा कोई आता पता नहीं है। अब ये बताओ, किसी समाज में अगर बिन बाप का औलाद हो, जो लड़का है उसका बाप नहीं है, तो उसका बाप का आता पता, फिर उसका बाप का आता पता तो नहीं है आपके पास, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए ना। साइन नहीं करना ठीक है, विपत्तिस्मा तो ले लिए, पास्टर बन गए। साइन मुझे पता है, तुम साइन इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें माल नहीं मिलता। माल, ये माल मिलना बंद हो जाएगा ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है। कौन सी किताब को मानते हो, किसको मानते हो, कुछ पता नहीं है ना। कई बोलते हो कि मतलब तुम लोग जो कृष्णा को मानते हो लेकिन भगवत गीता को नहीं मानते हो, क्योंकि भगवत गीता में क्या लिखा है, कृष्णा ही परमात्मा है। मतलब तुम गीता को, कृष्ण को तो मानते हो लेकिन कृष्ण को परमात्मा नहीं मानते हो, राम को मानते हो लेकिन रामायण को नहीं मानते हो, है ना, शिव को मानते हो, शिव पुराण को नहीं मानते हो, है ना। अभी तुम पे कौन से पे से बात करूं मैं? अरे गधे के बछड़े, ये इसी बात के लिए तो पेपर में साइन होगा कि तुम्हारा जो हवाला है, तुम्हारा किताब जो है, हम उससे हवाला देंगे, और तुम हम जिस किताब को मानते तुम उससे हवाला दोगे। इसी बात के लिए तो डिबेट होता है। देखिए क्या युक्ति है, युक्ति देखिए इन गोलमटोल लोगों की। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि मोटा हुआ है बहुत और कह रहा है कि तुम ये मानते हो वो नहीं मानते, शिव पुराण को मानते हो। अरे शिव उस परमात्मा का एक नाम है, कल्याणकारी। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, वो शिव नहीं जो गला में सांप लगाए हुए घूम रहा है, वो ब्रह्मा नहीं जिसके चार मुंडी होते हैं। परमात्मा का ये गुणवाचक नाम है। और दूसरी बात इसने कही, तुम ये नहीं मानता। अरे तू एक्सरेटेड बाइबल मानता है रे? एक्सरेटेड बाइबल को मानता है? उसमें क्या क्या लिखा है मैं उसको भी खोलू क्या पोल एक्सरेटेड बाइबल में? तो जब तू ये कह रहा है कि हम क्या नहीं मानते रहे, तू अपने एक्सरेटेड बाइबल को नहीं मान रहा, छोड़ उसको, तेरे वेबसाइट से मैंने शराब दिखाया तू उसको नहीं मान रहा, कितना दोगला है रे तू। तू दूसरों को बोला हम साइन नहीं करेंगे, अरे तू तो अंगूठा ठेपो को साइन करना क्या आएगा। और आगे देखिए ये क्या कह रहा है। उल्टी सीधी बातें बकने का तुम्हारे पास कुछ आता नहीं है। सही बोला रे तू कि उल्टी सीधी बातें ही तो तेरी बाइबल में लिखी है, इतने दिन से तो बाइबल ही खोल करके निकाल रहा हूं, उल्टी सीधी ही तो बातें लिखी है। तू सही कह रहा है, मैं इससे एकदम सहमत हूं कि मतलब दुनिया भर की गंदगी और दुनिया भर का जो अय्याशी वाला अड्डा है ना, वो तेरे बाइबल में मिलेगा। सही बोल रहा है तू, गलत नहीं। ऐसे इसके लिए मैं तुम्हारे पेपर पे साइन नहीं करना चाहता हूँ, है ना, मुझे तुम्हारे ग्रंथ से लेना देना नहीं है। बाइबल पे तुम डिबेट करने आते हो, आ जाओ, है ना। बाइबल में मुझे कहीं पर भी एक साफ स्टेटमेंट दिखाओ, जिस तरह जो भी इल्जाम तुमने लगाया शराब पीना चाहिए करके, है ना, बाइबल में दिखाओ शराब पीना चाहिए, है ना। ये एना 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 क्या होता है रे? एना एना मूर्ख जाहिल कहीं का, हा? और वही तो मैं भी कह रहा हूं, वहां साफ कुछ भी नहीं लिखा है, सारा का सारा गंदा लिखा है। साफ कहां लिखा है, वहां पे गंदा लिखा है, वो तो मैं भी कह रहा हूं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि यहां इतिहास की घटना है, अरे मैं भी तो वही कह रहा हूं कि इतिहास की घटनाएं हैं, इसमें ज्ञान कुछ नहीं है। अगर यही ज्ञान अगर यहोवा पहले दे दिए होते तो इब्राहिम ये काम नहीं करता।
यही ज्ञान अगर पहले दे दिए होते तो लूत की बेटियों को संस्कार देते लूत, यही ज्ञान अगर उन्होंने यहोवा ने पहले दे दिया होता तो दाऊद ऐसा काम नहीं करता, यही ज्ञान अगर पहले दे दिया होता तो ओम्नियन और तामार ये काम नहीं करते। भाई बहन में ये हो गया शारीरिक संबंध, उस दिन अगर ये चीज किया होता तो सृष्टि के प्रारंभ में तो ये नौबत नहीं आती कि इतने सारे पैगंबरों के पैर डगमगा जाते हैं औरत देखने से। हम क्या मानते हैं तुम्हारे, तुम क्या मानते हो रे, तुमको तो अब तुम्हारे वेबसाइट तीन वेबसाइट से दिखा रहा हूं, तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। वारे वाह, तुम अपने बाइबल को नहीं मानते, हमें क्या तुम ज्ञान दे रहे हो। परमेश्वर सबको सारा पियो पियो कर ऐसा स्टेटमेंट दिखाओ, आ जाओ इस बात के लिए डिबेट पे, है ना। उस तरह बाप बेटी शादी करना चाहिए, है ना, बाइबल में लिखित पूर्वक, लिखित पूर्वक बाप बेटी शादी करना चाहिए, है ना। ये ना क्या होता है रे जाहिल कई का, दिखाने के बाद अगर तू नहीं मानेगा तो मैं क्या कर सकता हूं। इसीलिए मैं तुझे मराठी में बोल रहा हूं, कृपया पुणे या उन वाद विवाद करा, बाइबल सत्य आहे कि खोटे आहे, आणि घाबरू नका, मी फक्त बाइबल वर तुमच्या विषयी चर्चा करेल। तुम्हारे ग्रंथ से मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रंथ का विरोधी नहीं है, तुम्हारे देवी देवता का विरोधी नहीं हूँ। इतना दिन मैंने इस तरह क्यों बात किया बोलो, तुमने मेरे पे उंगली उठाया था, मेरे प्रभु पे तुमने उंगली उठाया था, इसके लिए मुझे उठाना पड़ा, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं था तुमको इतना बोलने के लिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका इज्जत करता हूँ, सुनता हूँ, भले नहीं मानता हूँ लेकिन सुनता हूँ, इज्जत भी करता हूँ, लेकिन तुम लोग क्या है, सुनते नहीं, बस गलत है गलत है गलत है, हम जो बोल रहे वही सही है। अबे जाहिल कहेगा, तेरे किताब में अगर ये चीज नहीं है तो मैं कहां से ला रहा हूं, अपने से कहां से बोल रहा हूं, और तू इज्जत की बात कर रहा है। अब देखिए ये कितना इज्जत करता है और कितना बेइज्जत करता है, मैं इसी की पोल फिर से खोल रहा हूं, कैसा डबल स्टैंडर्ड दोगला इंसान है ये। आप देखिए आगे क्या कह रहा है ये अपने दूसरे वीडियो में। ब्रह्मा ने अपने बेटी शादी किया, कृष्णा ने इतने लोगों से शादी किया, इससे संबंध बनाया, उससे संबंध बनाया, राम ने ये किया वो किया, शिव ने ये किया वो किया, इतना सारा गंदगी तुम्हारी किताब में रखकर, इतनी सारी बुरी बातें तुम्हारे पास रखकर, और उसको छोड़ने की छोड़कर, है ना, हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो, है ना, और झूठ कितना बोलते हो तुम लोग, है ना। सेम सवाल यही पूछेंगे समझो, है ना, तो ब्रह्मा ने तुम्हारी बेटी शादी किया, तुम लोग क्या बोलते हो, है ना, हम लोग नहीं मानते, मतलब तुम्हारी किताब में गंदगी रहेगी तो हम तुम लोग नहीं मानेंगे, मतलब तुमसे पूछेंगे समझो, है ना, ये ब्रह्मा शंकर विष्णु राम ये सब कौन है बोले, तो महापुरुष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, महापुरुष बोलेंगे, है ना। जब बोलेंगे सर तुम्हारे महापुरुष ने ऐसा ऐसा काम किया बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, वो महापुरुष नहीं, वो सिर्फ नाम है करके बोलेंगे, वो सिर्फ क्या है, नाम है, ना। कितना झूठा ज्ञान तुम्हारा है, तुम अपने जुबान पे खड़े रहते हो, अपने जुबान पे खड़े रहते हो तुम लोग, है ना, कभी बोलते हो महापुरुष है, जब उनकी पोल खोल के आती तो बोलते हो वो व्यक्ति नहीं है, वो कोई पुरुष नहीं है, वो सिर्फ एक परमात्मा का नाम है, ना। कितना झूठा ज्ञान, कितना बरगलाने का ज्ञान, कितना भरमाने वाला ज्ञान, इतनी झूठी बातें तुम्हारे अंदर रख के बाइबल को बोलते हो ना। अबे है ना, है ना, है ना, है ना, कितनी बार बोलेगा रे, और सुन लिया ना, मैं तो ब्लर भी कर दिया वो जगह को जहां इसने गंदा गंदा पिक्चर लगाया था, गंदा गंदा तस्वीर लगाया था जहां पे, वो सारा मैं ब्लर करके रखा हूं, और मोबाइल में तो लिटरली इसने माँ बहन की गाली तक दी है। आपको तो मैं दिखाऊंगा तो आप सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं वहां पे मिटा दिया हूं। क्यों ब्रिटिशर्स का सम्मान करें हम तो लाठी मारेंगे, हम यही करेंगे भाई, तुमको जो करना है करो। अब आगे देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है ना, कुछ भी बकते जाओ बस अपने बारे में, है ना, इस तरह कितनी बातें तुमको रिफ्यूट कर रहा हूं, आज भी रिफ्यूट कर दिया, है ना, फिर से एना एना एना, ये एना 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 क्या है जाहिल, ये बोल रहा है रिफ्यूट कर दिया, सामने आना, रिफ्यूट हो या डिफ्यूट हो या डिफ्यूज हो, सामने आ, सारा का सारा सामने आने में तुझे डर क्यों हो रहा है रे। उनसे भी इस पर भरोसा मत कीजिए, ये लोग अपने चर्च में, हम आपको बताते, ये रिपोर्ट भी आया था न्यूज में कि विश्वकर्मा का मूर्ति जला देते थे, काठ का मूर्ति बना करके, काठ मतलब काठ, काठ होता है ना, लकड़ी का मूर्ति बनाते थे और यहां जीसस का मूर्ति बनाते थे, और दोनों को आग में डाल करके दिखाते थे, देखो तुम्हारा विश्वकर्मा जल गया,
ऐसे लोग हैं, इन पर रत्ती भर भरोसा मत कीजिए। हो सके तो इनसे पूछिए कि ईसा का बाप कौन है। छोड़, तू हमसे साइन नहीं करेगा, ये तो तेरी औकात भी नहीं है। तू साइन करे, अंगूठा ठाप क्या साइन करेगा रे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनसे, इनको फोन कीजिए और पूछिए कि ईसा का बाप कौन है। हु इज द फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम। तुम्हारे भगवान ऐसे नहीं यार, तुम्हारे भगवान तुम्हारे क्या है वो तो हम लोग, हमारे समाज में ना वैसी औरत अगर होती है ना तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, बिन पति के संतान उत्पन्न करने वाले। तेरे घर में अगर ऐसा बच्चा हो जाएगा तो तू क्या करेगा? तू बोलेगा अरे वाह, परमात्मा ने दिया है, कितने दोष लगे हुए हैं परमेश्वर पर। इसलिए तो कुरान भी मुकर गया है, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरा इखलास में आया है, लम यलिद वलम युलद, उसका ना कोई बेटा ना वो किसी का पिता। लेकिन यहाँ पे कुरान का अल्लाह भी मुकर गया है ईसा को अपनाने में। ईसा को अल्लाह भी नहीं अपना रहा है। अरे अल्लाह भी बोल रहा है भाई क्या मुझे क्यों दोष दे रहे हो तुम, गलती कोई कर रहा है और अल्लाह पर दोष, वारे वाह। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ परमात्मा को माता पिता, ये गुणवाचक नाम है। गुणवाचक नाम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्वालिटेटिव ये होगा। इसलिए तुम नहीं आओगे, ये मुझे भी पता है, इसलिए नहीं आओगे। तुम नाराज तो डेविड वुड मोहम्मद हिजाब से हारा हुआ है। इनके किताब प्राय एक ही जैसा है, किस्सा कहानी भी एक ही जैसा है। जो कहानी यहां मिल जाएगा खाली मोहम्मद का प्रकरण और ईसा का थोड़ा सा उसमें प्रकरण अलग है, उनके साथ हार रहा है। तो वैदिक धर्मियों के पास ये आएगा तो इसकी क्या दशा होगी ये खुद भी जानता है। इसके बाद इसके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे 10 रुपए के पास्टर है, कल पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो ये जो चेहरा है ना, गोल चेहरा बना करके रखा है, ये सारा का सारा धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसके बाद मैं और बड़ी ताकतों को एक्सपोज करूंगा, बहुत जो अपने आप को है साइंस कहते हैं साइंस, उनको इसके बाद उन बड़ी ताकतों को एक्सपोज किया जाएगा। ऐसे छोटे मोटे चीटियां रोज आते रहते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है ऐसे लोगों से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं आज कोई नया विषय नहीं लेता हूं, इसी को मैं थोड़ा और जवाब दिया कि ये साइन नहीं करना चाहता क्योंकि हम क्या मानते नहीं मानते। अरे हम क्या मानते हैं नहीं मानते, हम तो ब्रिटिशर्स की किताबों को नहीं मानेंगे, उसको लात मार के देश से भगाओ ब्रिटिशर्स की किताबों को। तुम डिबेट, अगर तुम्हें डिबेट करना ही था, तुम अगर डिबेट करना ही चाहते थे तो तुम इस लॉकडाउन में फोन क्यों किए, या इस लॉकडाउन में फोन करके क्या फायदा क्या हुआ। इसीलिए आइए, मैं इनका फोन नंबर आपके सामने ऐसे यहां लगा दिया हूं, आप इससे कॉल कीजिए, पूछिए ईसा का बाप कौन है। तो ईसा का बाप कौन है इनसे पूछिए, और इनसे ये पूछिए कि बाइबल का लिखने वाला कौन है और बाइबल को लिख करके कैसे लिखा गया, गाजा फूंक करके लिखा गया, दाख मधु पी करके लिखा गया, या फिर कोकेन खा करके लिखा गया, क्या खा करके लिखा गया, इसको फोन कीजिए और पूछिए। मैंने तो बहुत सारे तथ्य आपके सामने दे दिए हैं, इसी से ही ये एक फोन लाइन में टिक नहीं पाते। जानते फोन में कितनी गंदी गंदी गालियां देते, वो तो मैं नहीं डाल पा रहा हूं।
आप तो सोचते हैं कि ये बेबजाय में नहीं, फोन में जब इसको प्रश्न पूछा गया तो ये तो 30 मिनट में भाग गया गाली दे करके, खाली वीडियो बनाना आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से, भीम बाप के नाम से। यीशु मसीह का तो नाम है लेकिन उसका बाप का नाम क्या है? और यदि वो पूछे कि तुम क्यों यीशु मसीह को पियक्कर कह रहे हो, क्यों तुम लूत को व्यभिचारी कह रहे हो, अब आप उनसे यही जवाब दीजिएगा कि वहां पे अगर नहीं है, वहां पे है, तो फिर हमारा क्या दोष, हिंदुओं का क्या दोष, हिंदू जब बोल रहे हैं भाई सच्चाई को ही तो बोल रहे हैं ना। तुम अपने ग्रंथ से हटा दो, हम भी बोलना बंद कर देंगे कल से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यथा योग प्रीति पूर्वक धर्मानुसार व्यवहार करना, ये हम ऋषि दयानंद के जो अनुयायी है, ऋषि दयानंद के पथ चिन्हों पर चलने वाले हैं, हम ये चीज मानते हैं। अब श्री कृष्ण जी पर इतना बात किया गया, कहां है इस्कॉन वाले, कौन सा इस्कॉन वाला चैनल आज तक जवाब दिया होगा श्री कृष्ण जी पर अगर कोई कटु मंतव्य किया है, या होगा दो तीन किया होगा, लेकिन यही आर्य लोग ही जाते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण जी के चरित्र का सही वर्णन करने के लिए। ये बात सुनकर बहुत लोग को दुखी होंगे कि क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बात आप इस चीज को ध्यान से समझें कि कोई इस्कॉन वाला आता है, बोलता है कि चलो हमारे से डिबेट करो, हम खुली चुनौती है श्री कृष्ण जी के ऊपर एक आक्षेप होता है तो हम उसका हम उत्तर देंगे। जाकिर नायक ने भी बेहुर्मती की इसी भारत में रह करके श्री कृष्ण जी के चरित्र के नाम पर, राम के नाम पर इतनी गालियां दी गई, इनसे पूछिए कि वेद, तू तो वेद विरोधी नहीं है और इतनी गालियां तावड़तोड़ गालियां तूने दी है वो इसी भारत में रह करके, यही अगर तू मोहम्मद को दिया होता तो आज तेरी चीखें भी नहीं निकलती, आज तेरा ये भी नहीं मिलता, यही गाली तू मोहम्मद को दिया होता तो पूरा शहर जल जाता, जिस बस्ती में तुम ईसाई रह रहे हो वो पूरा बस्ती जल जाता जैसा बेंगलोर में जला। इसलिए ये लोग जो है, ये जितने भी इब्राहिम के बाद जितने भी इब्राहिमिक जितने भी मजहब पंथ है, ये कब अपनी बात से पलट जाए, देखे ना ब्रिटिशर्स को देखिए क्या किए, इस देश को गुलाम बनाया, फिर देखिए अपने ही घर में, अपने ही घर में कहीं जन्नतुल बकी को तोड़ देते हैं, अपने ही घर में कहीं अहले बैत की हत्या की जाती है, अहले बैत माने होता है नबी का जो फैमिली मेंबर, जो बाद के फैमिली मेंबर्स है, तो कहीं हसन को मारा, कहीं हुसैन को मारा, कहीं अली को मारा, कहीं सकीना के सामने मरा हुआ पिता का फौत हो करके जो सिर है, वो फौत होने के बाद जो सिर है वो सकीना के सामने लेकर के आया, कोई हिंदू नहीं लेकर के आया था, उसी प्रकार हजरत ईसा मसीह को मारने वाला कोई हिंदू नहीं था, हजरत ईसा मसीह को मारने वाला वही बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट मानने वाले लोग थे। तो यही है, छोड़िए ना भारत को देखिए, भारत में क्या हुआ, भारत में औरंगजेब ने दादा शिको को मारा, अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने पिता को नहीं छोड़ा, ठीक है छोड़े, ये देखिए मिर्जाफर को देखिए, वो हिंदू था क्या मिर्जाफर? तो ये जिस थाली में खाते हैं उस थाली को छेद करने में रत्ती भर भी ये कंजूसी नहीं करते। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, अभी अभी इसका दूसरा वीडियो आया है, इसने मुझे कहा कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैंने ऋषि दयानंद को ही गलत सिद्ध कर दिया, यही होता है
कि एक पास्टर अगर साइंस के स्टूडेंट को चैलेंज करे बिना किसी कॉन्सेप्ट को जाने, तो यही होगा। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आए हैं रे, तेरे जैसा पास्टर नहीं बने हैं हम। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो, और मैं उछल नहीं रहा हूं। तू अपनी ज्ञान की पर्ची अपने पास रख और देखिए वो आगे क्या कह रहा है। इस दिन भी हम लोग जो है कुछ पॉइंट्स लेंगे, जैसे कि कई सारे लोग जो है बाइबल को गलत पेश करने के लिए, बाइबल को जो है रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कई सारे लोग जो है ना कोशिश कर रहे, और ये कोशिश करते करते क्या कर रहे पता है, खुद के ही ज्ञान को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे। मतलब बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश करते करते खुद के ग्रंथ को ही क्या कर रहे, गलत साबित करने की कोशिश कर रहे। जैसे कि अब तक जो है कई सारे वीडियोस में बना रहा हूँ, कई सारे जवाब में उनको दे रहा हूँ, तो उनको जो है बहुत ही मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि उनका झूठ का जो है मैं सामना कर रहा हूँ, उनका झूठ को जो है पोल खोल रहा हूँ करके इनको जो है मिर्ची लगी हुई है। इसलिए लोग जो है ना हड़बड़ा गए पूरा, है ना, हड़बड़ा गए। इसके लिए जो महेंद्र पाल का जो चेला है ना, शायद उसका नाम संदीप है, महेंद्र पाल का जो चेला है संदीप नाम है उसका, है ना, अभी वीडियो जो है ना बना रहा है तो पूरा हड़बड़ा गया है पूरा, है ना, हड़बड़ा के जो है उछल उछल के वीडियोस बना रहा है, उछल उछल के जो है ना बातें कर रहा है, जैसे कि अभी कैमरा से बाहर आकर हम सभी को पीटने वाला है ना, इस तरह बात कर रहा है ना। तुम जैसे लोगों को यथा योग्य जवाब देना ये मेरा कर्तव्य है। अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे ये तुम अपने पास रखो, अपनी ज्ञान की पर्ची। लेकिन विज्ञान बता रहा है, क्या बता रहा है, मिलियन साल से मतलब लाखों साल पहले से मनुष्य जो है पृथ्वी पर है करके इसने क्या किया, एक फोटो बताया, क्या किया, एक फोटो को बताया। और फोटो में क्या था, एक होमोसेपियन का स्केल्टन था, मतलब उसका चेहरा था वहाँ पर, थोबड़ा है ना, हड्डी बोलते हैं चेहरे का, हड्डी वो था वहाँ पर। अभी ये चीज़ को दिखाकर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ये अपने वेद को ही क्या कर रहा है, अपनी किताब को क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है ना। अगर तू उस चीज़ को दिखा रहा है, यानी कि तू उस चीज़ को क्या कर रहा है, सच मान रहा है ना, सच मान रहा है तू उस चीज़ को, फोटो जो तूने दिखाया इसका मतलब ये कि तू उस चीज़ को सच मान रहा है। अगर यही सच रहेगा समझो तो फिर तेरी वेद क्या हो गई, गई काम से। क्यों पता है, साइंस बताता है कि मनुष्य जो है बंदर से पैदा हुआ है, क्या तेरा किताब वही बता रहा है, तो यहाँ पर फेल हो गया तेरे लॉजिक में, है ना। वीडियो बनाने से पहले ना थोड़ा सोच समझ के आया कर, क्या बता रहे तू, क्या चीज़ बता रहे तू, है ना। मतलब इवोल्यूशन थीरी को, चार्ल्स डार्विन थीरी को जो है, जो मनुष्य बंदर से पैदा हुआ करके, उस थीरी को जो है तू सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि तूने इनडायरेक्टली मान लिया कि तेरा वेद जो है गलत है, मतलब तेरी अनादि से मनुष्य है, अनादि से मनुष्य करके वो तेरी थीरी जो है ना खत्म हो गई, मतलब तू एग्री कर लिया कि होमोसेपियंस जो है ना हो। अबे जाहिल, हाँ होमोसेपियंस होते, तू क्या है रे, होमोसेपियन नहीं होता है, होमोसेपियंस होता है, इंसान का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस। तुझे नहीं पता, तू पहले जान कर क्या, होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, समझ गया। मतलब स्टार्टिंग में जो है मनुष्य जो है बंदर से इंसान धीरे धीरे बना करके तूने क्या कर लिया, एग्री कर लिया, है ना, तू एग्री करता हम नहीं करते। मैंने कब कहा कि बंदर से इंसान बनाए, बंदर का साइंटिफिक नेम होता है मैकाका फेसिकुलरिस, सुन ले तुझे नहीं मालूम होगा, और इंसान का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस, जो सब स्पीशीज होता है उसको सेपियंस कहा जाता है, तो पूरा होगा कितना, होमोसेपियंस सेपियंस, तो होमोसेपियंस क्या बंदर होता है। और इवोल्यूशन थ्योरी को जान के आ, इवोल्यूशन थ्योरी में बंदर से इंसान नहीं बनते, है ना, यानी कि यहाँ पर तूने अपनी ही किताब को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। जरा उस केल्डर का जो फोटो लगा है ना, जरा थोबड़ा ध्यान से देख कैसा है उसका थोबड़ा, जो उसका हड्डी है ना स्केल्टन, ध्यान से देख कैसा है वो। अब ये क्या कर रहा है, जो तस्वीर मैंने दिखाई उसको अपने किसी तस्वीर के साथ ये कर रहा है, अरे ध्यान से देख, जो साइट में है वो साइट से देख, वो होमोसेपियंस का तस्वीर है, मैं बिना जानकारी लेकर के हमने नहीं बोला, मैंने जानकारी लेकर के ही बोला है, होमोसेपियंस इंसान का साइंटिफिक नाम है, ये तुझे नहीं मालूम तो मुझे क्या रिफ्यूट करेगा रे? वो इंसान का लग रहा है, इंसान का लग रहा है, इंसान का स्केल्टन कैसे दिखता है, बंदर का स्केल्टन कैसे दिखता है पता है ना, इंसान का खोपड़ी कैसा होता है, बंदर का खोपड़ी कैसा होता है पता है, बंदर का खोपड़ी दिखा के और बोल रहा है तू इंसान का है ना, यानी कि
तूने इनडायरेक्टली क्या कर लिया पता है, अपने ही वेद को जो है ना गलत साबित करके ले लिया, मतलब तूने इस चीज को एग्री कर लिया कि मनुष्य जो है बंदर से पैदा हुआ है। देखिए कितना महाझूठ, मैंने वो पिक्चर दिखाया ही नहीं फिर भी वो मेरे नाम पर वो चला रहा है। मैंने क्या वो पिक्चर दिखाया था तुझे? और सुन, इवोल्यूशन थ्योरी में बंदर से इंसान नहीं बनता, पहले इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ के आप फिर मेरे से डिबेट करना। हम लोग जो है ये बताते कि जानवर पहले है बाद में मनुष्य है, हम इस चीज को मानते हैं। हमारे ज्ञान के हिसाब से ये जो बता रहा है ना स्केल्टन, जो भी बता रहा है ना, बंदर की कई सारी प्रजातियां है ना, चिंपांजी होता है, बंदर होता है, मंकी होता है ना, इस तरह के बहुत सारे बफून बोलते हैं, है ना, कई सारे प्रजातियां बंदर में है ना, वो उनका शरीर जो है इंसान से और बंदरों से सेम मैच होता है कुछ हद तक, पूरा तरह नहीं, कुछ हद तक मैच होता है, क्योंकि उसके पैर जो है हाथ की तरह दिखते हैं, है ना, कुछ हद तक जो है ना मैच होता है, लेकिन उसमें भी क्या है फर्क है। अभी ये क्या कर रहा है, होमो सेपियंस का फोटो दिखाकर ये बता रहा है कि मनुष्य जो है ना बिलियन साल पहले से है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये अपने वेद पे क्या कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बंदर से ही पैदा हुआ, मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, टोटली अपने ही बातों में फंस गया। और दूसरी पॉइंट हम देखेंगे, समझो इनके दयानंद महर्षि क्या बोलते हैं, धरती पर सबसे पहला मनुष्य जो है ना तिब्बत से पैदा हुआ, तिब्बत में से आया। अब ये फोटो कहाँ का दिखाया इसने, किसी और देश का जो है ना दिखा दिया, मतलब इसका दयानंद ऋषि का भी ज्ञान को क्या कर दिया इसने, खुद ही जो है ना एक्सपोज कर दिया। और बता रही इस जाहिल को मैं क्या जवाब दूं कि होमो सेपियंस किसको कहा जाता है? होमो सेपियंस तो इंसानों का साइंटिफिक नेम है, स्पीसीज सेपियंस, सब स्पीसीज सेपियंस, यानी होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस के अंदर इंसान को छोड़कर के कोई सब स्पीसीज नहीं है आज के दिन में, इसको मालूम है ये चीज कर दिया। और बता रही कार्बन डेटिंग है ना, कार्बन डेटिंग का जो है कहां तक बताते पता, कार्बन डेटिंग है ना, कार्बन डेटिंग से जो समय का पता है कहां तक लगाता है, 50,000 तक का ही कार्बन डेटिंग बताता है, कितना साल का है ना, अगर समझो आज किसी का हड्डी मिल गया समझो है ना, अब भी कोई आदमी मर गया उस हड्डी ले लेंगे समझो, उसमें से कार्बन डेटिंग को लेके चेक करेंगे समझो है ना, तो उसमें से उसको 50,000 तक का ही वो बता सकता है कितना साल पुराना है करके, कोई भी हड्डी उसको मिलता है तो कितना साल पुराना है बोलो 50,000 तक ही बता सकता है। बोलते हैं ना जहालत का कोई दाद नहीं दिया जाता, अगर तू थोड़ा सा विज्ञान की किताब अगर अपने बचपन में पढ़ लिया होता तो तू आज पास्टर नहीं रहता। अब सुन मैं जवाब दे रहा हूं तेरा, इतनी बुद्धि तो तेरे में नहीं है, चल तेरी बात को ही मैं मान करके तेरी बात को ही गलत मैं सिद्ध करता हूं। तूने कहा कि 50,000 वर्ष तक वो कार्बन डेटिंग सही से मेजर कर सकता है, जबकि 50,000 नहीं, वो 70,000 वर्ष तक वो मेजर करने की कार्बन डेटिंग की क्षमता है, ठीक है। अब उसको 2 मिलियन तो दूसरे मेथड से, कार्बन डेटिंग के बाद दूसरे मेथड से पता चलता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर तेरी बात ही मैं मान लेता हूं कि वो 70,000 वर्ष तक ही कर सकता है या 50,000 वर्ष तक ही कर सकता है, मैं तेरी बात मान करके चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 50,000 वर्ष तक कर सकता है तो वो 50,000 वर्ष पहले का होगा जो 2 मिलियन वाला मैंने बोला, और बाइबल कह रहा है कि 5,000 वर्ष। अब कार्बन डेटिंग से तू बाकी का जो ये पोटेशियम क्रिप्टन मेथड जो होता है, जो कि मिलियन मिलियन ईयर्स का होता है, वो कार्बन डेटिंग के बाद ही उसको किया जाता है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन तेरे हिसाब से ही तो अगर वो 50,000 वर्ष तक का अगर उसने पुराना कह दिया तो बाइबल तो इससे गलत सिद्ध हो गया ना, बाइबल तो कह रहा है 5-6 हजार वर्ष पुराना सृष्टि था, तो इससे गलत सिद्ध हो गया। अब तेरे ही जवाब से तू गलत सिद्ध हो रहा है, अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। और तू कितना बता रहा है, मिलियंस का बता रहा है, मतलब यही पे तेरा मालूम पड़ेगा कि तेरा नॉलेज कितना है ना। होमो सेपियंस का फोटो दिखाकर अपने गिवे तो गलत साबित कर दिया, फिर से बोल रहा है होमो सेपियंस। अरे होमो सेपियंस इंसान का साइंटिफिक नेम है, कितनी बार बोलूं फिर से, एना एना एना। अच्छा आप कमेंट में बताइएगा ये कितनी बार एना 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 किया है, ठीक है, है ना। होमो सेपियंस फोटो दिखाकर अपना अनादि सिद्धांत को भी गलत साबित कर दिया, है ना, होमो सेपियंस का चेहरा दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुझे ना मनुष्य का खोपड़ी का पता नहीं, तुझे ना जानवर बंदर का खोपड़ी का पता नहीं करके साबित कर दिया। अबे जाहिल वो बंदर नहीं है,
वो बंदर नहीं है, 5-6 फुट का बंदर होता है क्या? वो बंदर नहीं है, उसको क्रो मैग्नन मैन कहा जाता है, नीदरलैंडल मैन कहा जाता है उसको।